हरलाखी थाना क्षेत्र के पुतगांव गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजा टोल में बुधवार दिन के करीब 12:15 एमडीए बनाने के दौरान अचानक आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि आग लगने के दौरान विद्यालय में करीब 40 से 50 बच्चे मौजूद थे। कुछ बच्चे विद्यालय के बाहर बरामदे पर बैठे थे। विद्यालय में एक ही कमरे हैं, उसी कमरे में एमडीएम बनाया जा रहा था। दूसरे कमरे में आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां भी बच्चे मौजूद थे, जिससे बच्चों के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं आग लगने के दौरान विद्यालय में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बच्चे विद्यालय परिसर में इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रामीणों की सूझबूझ से बाल बाल बच्चों की जान बच गई। आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत विद्यालय में बाल्टी, लोटा और मोटर पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। ग्रामीण भोगेंद्र पासवान और चौकीदार रंजन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। विद्यालय के एचएम शंभु पासवान हादसे के दिन विद्यालय से अनुपस्थित थे। एक प्रत्यक्षदर्शी शिक्षक अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि एलपीजी गैस लीकेज के कारण आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल विद्यालय के एक ही कमरे में वर्ग और कार्यालय समेत सब कुछ है, जिसमें एमडीएम बनाया जा रहा था। विद्यालय के दूसरे कमरे में बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ 20 से 25 बच्चे वर्ग में बैठे थे। विद्यालय में भी 40 से 50 बच्चे मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के एचएम मनमाने तरीके से विद्यालय आते हैं, हादसे के दिन भी विद्यालय से अनुपस्थित थे। एमडीएम बनाने के लिए अलग से जगह नहीं बनाया गया है, वर्ग में ही एमडीएम बनाया जाता है। पुनः इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विभाग को पहल करने की अति आवश्यकता है। क्या जानकारी भेटल अहाँ सबके? कैसे मिला सर आपको जानकारी आग लगी है? रसोईया ने बोला कि बर्नर से एकाएक आग पकड़ लिया, उसमें सबने हमने बच्चे को बाहर दूरी पर ले गया। उसके बाद देखा वहाँ पे जो सब बच्चे खाली हो गया, तब हमने क्या किया, दरी को लिया और उसके बाद दरी से वहाँ गए, देखे सिचुएशन, जो सिलेंडर पाइप में चूल्हे तक लगा हुआ था, तब हम सिलेंडर को एकाएक वहाँ बर्नर को दबाया, उसमें हमको धार से मुंह में झुलसा हुआ जैसा लगा, फिर बाहर निकले, सब कुछ ठीक ठाक है। किसी को कोई नुकसान तो नहीं? कोई घटना नहीं है, और ये घटना कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा विद्यालय है ये? आजा टोल प्राथमिक विद्यालय पुतगांव। आप कौन हुए यहाँ? हम यहाँ के शिक्षक है। आप अकेले है यहाँ? नहीं, और भी सर है। आपका नाम? अवधेश कुमार शर्मा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।